तो अभी दोस्तों हम अलका के घर पर जा रहे हैं। तो अभी अलका की स्टूडेंट ने अलका को गिफ्ट दिया, तो उन्होंने कमरा खाली कर दिया है, तो वही अलका अपना सामान समेट दिया पूरा। अलका भी अब घर जाएगी मनसुना गिरी। पहले आप सभी लोगों को मेरे प्यार में प्रणाम, स्वागत करती हूँ। मैं आरती रावत, आप सभी का देवी उत्तराखंड में और अपनी मध्यशर घाटी में और अपनी मध्यशर घाटी के सुंदर से गांव भटवाड़ी में और भटवाड़ी के रास्तों में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी आज का ब्लॉग शाम से शुरू हो रहा है और यहाँ पर मैं और अलका जा रहे हैं। अलका के यहाँ कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि अलका के यहाँ घर से निकले थे और अभी यहाँ पर जा रहे हैं। तो अभी ये हमारे गांव में गेहूँ की खेती है, गेहूँ की बालियाँ देखो प्यारी प्यारी सी, ये कीस लगे इस पर। तो चलते हैं हम। तो अभी दोस्तों हम गांव के ऊपर ऊपर पहुंच चुके हैं, ये नीचे हमारा गांव दिखाई दे रहा है और मौसम देखो पूरा बादल बादल हो चुके हैं। और अलका आ गया है, अलका से भी मिलवाती हूँ यार एक बार। अलका ही अलकी, यहाँ पे देखो छोटे छोटे वाइट कलर के, वाइट और पिंक कलर के फूल लगे हुए हैं, ये देखो। यहाँ से हमारा नीचे गांव पूरा दिख रहा है। ये स्कूल है मेरी जहाँ से मैंने पढ़ाया, सरस्वती शिशु मंदिर, जहाँ से मैंने शिशु से पंचम क्लास तक पढ़ा। ये तो आगे विद्या मंदिर है। तो मतलब हमारे जाते ही ना स्कूल इतनी डेवलप हो जाती है ना, वहाँ का बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है। फिर हमें लगता है हमारे टाइम पे कहाँ था ये सब कुछ। क्यों अलका, तुझे भी ऐसा लगता है? पहले ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, कि गर्ल्स में भी ऐसे ही हो रखा है, वहाँ भी बहुत अच्छा बना हुआ है और हम मतलब वहाँ नीचे इंटर कॉलेज में भी और यहाँ भी। तो ये यहाँ हमारी प्रेयर होती है, मतलब होती थी, मतलब अभी भी होती है, पर मेरे टाइम की बात की जा रही है। तो मुझे ना इस फील्ड की हर एक छोटी छोटी बातें याद है। मैंने भी किस किस ने सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा है कमेंट करके जरूर बताना, जिसने भी सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा है तो आप जरूर बताना। अलका तूने कहाँ पढ़ा है? मैंने विद्या मंदिर में पढ़ा है। तो बहन एक बार शिशु मंदिर में तो गई होगी ना? नहीं गई मैं, सीधे विद्या मंदिर में गई। इसकी बातों को इग्नोर करते हुए हम आगे मजाक नहीं कर रही। तो इसके बोलने का मतलब ये कि इसने पहले प्राइमरी वगैरह पढ़ा होगा ना, तभी विद्या मंदिर में आई होगी। तो इसने यहाँ विद्या मंदिर में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा हुआ है। मैंने यहाँ से शिशु मंदिर में पढ़ा हुआ है, पाँच से किसे छः से पढ़ा हुआ ना, छः से नौ से दो। अच्छा नौ से दस में इसने आज विद्या मंदिर पढ़ा हुआ है, उससे पहले इसने प्राइम पाँच स्कूल चेंज हुई देख गई थी बोला। तो दोस्तों ये ना अखरोट का वो है, क्या बोलते हैं इसको, अखरोट का क्या बोलते हैं, एक फल टाइप का बोल सकते हैं, फूल बोल सकते हैं। हमने इस वजह अखरोट खा रखे हैं, दंती अखरोट है। तो पूरा सामान घर का अलका गाड़ी में चढ़ाती हुई पूरा सामान ले जा रही है कुछ। तो अभी अलका लोग खाली कर रहे हैं रूम। तो अभी अलका की स्टूडेंट ने अलका को गिफ्ट दिया, फिर से दिया भाई, आज ही दिया, आज फिर से दिया जब फिर दिया बाहर जा सिवलक बना के सीनियर ड्रामा का नाम। तो अलका के स्टूडेंट गिफ्ट ला, अरे दिए टीचर था गिफ्ट दिए, है ना, टीचर को गिफ्ट दे जा, दे टीचर को गिफ्ट। अरे निमर ने फोन दिया ना, हमने तो रिटर्न करने के लिए देने के लिए बोला, उसका मन ही नहीं कर रहा देने का। थैंक यू बोल टीचर, अब गिफ्ट ओपनिंग करते हैं, ठीक है, अयम आयम गिफ्ट ओपनिंग कर दो। तो अभी अलका कैसा लग रहा है, आपके स्टूडेंट ने आपको गिफ्ट दे दिया है? रो दो जरा सा, सीधा आप प्यार से गिफ्ट नहीं होना, रो दो दी आगो से ले हूं। अब खोला खोने दोनों भाई बहनों में लड़ाई हो गई कि मैं गिफ्ट ओपनिंग करूंगा। ना
जल्दी खोल डाल का ड्रामे बात कर मेरा एक बल्ले मदद दे दियो के जाते कभी और ये सारे आ गए यहां पे अंकल की अच्छी बिस्किट ओ बिस्किट फेरम लवली अरे रुको 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 देखने दो कोलगेट दी लेते तो पुरुष कोलगेट तो मैडम कैसा लगा आपको आपका गिफ्ट गाइस दांत निकले मिल गया दांत साफ करने गोरा होने के लिए थैंक यू बोल दो चल थैंक यू अरे नहीं इन्होंने बोल इसने बोलना थैंक यू थैंक यू मैम फेयर एंड लवली लगाया अपने चेहरे को ये फेस वॉश जरे हाँ ये फेस वॉश है फेयर एंड लवली फेस वॉश है और फेयर एंड लवली मेरा मैं मुख रबा कर फेयर एंड लवली सूट कर दिवा रही हूँ मीन रॉकर जो पर फेयर एंड लवली सूट नहीं करती तो अभी उससे ना अलका लोगों ने कमरा खाली कर दिया मतलब उसकी चाची लोग रोटी जा रहे हैं मतलब अपनी चाची लोगों के साथ रहती थी यहाँ तो वो रोटी जा रहे हैं किराए पे रहते हैं ना तो उन्होंने कमरा खाली कर दिया है तो भैया अलका अपना सामान समेट दिया पूरा अलका भी अब घर जाएगी मनसना गिरिया तो अभी हम मतलब अभी तो अलका हमारे यहाँ आ रही है उसकी चाची लोग तो घर चले गए हैं सामान कुछ ले गए हैं तो अभी हम यहाँ का जितना भी सामान होगा अलका का जो उसे पैक कर दिया है फिर अलका भी हमारे यहाँ चल रही है फिर उसके बाद अलका चली जाएगी घर तो अभी अलका जी कैसा लग रहा है आपको आप इस रूम को छोड़ने वाले हो बहुत बेकार अभी ना अलका के बच्चे भी यहाँ पे मतलब अलका के स्टूडेंट ना बच्चे नहीं पर स्टूडेंट यहाँ पे आ रखे थे ना वो भी अलका को दीदी आप जा रहे हो गिफ्ट भी दिया तो कैसा लगा अलका गिफ्ट दिया बच्चों ने बहुत अच्छा तो इस मैडम जी के लिए गिफ्ट भी आ रखा था तो अब यहाँ पर ट्यूशन में जो बच्चे पढ़ाती थी ना वो भी अब वो मिस करेंगे कि हाँ यार दीदी पढ़ाती थी अब नहीं पढ़ा पाएगी कोई बात नहीं तो अभी जल्दी जल्दी से सामान इकट्ठा करते रात काफी हो चुकी है तो चले मैम जल्दी जल्दी करो तो अभी रात भी काफ़ी हो चुकी थी वो तो हमें सलोन ही मिल गई थी और अलका आगे सालू दीदी ने उनके साथ चली गई थी और मैं सलोन के साथ जा रही हूँ तो ये हमारे खिमट की रात की नज़ारे लाइट भी जा रखी है और अलका की स्कूटी आगे भी जा रही है तो ये हमारे यहाँ आगे है 3 स्टार होटल जिसका नाम पहले मधुगंगा था अब पता नहीं क्या है